अंतरिक्ष में मौजूद चीन का स्पेस स्टेशन तेजी से धरती की ओर गिर रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये 24 मार्च से 19 अप्रैल के बीच कभी भी धरती पर गिर सकता है। इस स्पेस स्टेशन में खतरनाक केमिकल भरा हुआ है जो धरती पर बड़ी तबाही मचा सकता है। तियानगोंग 1 नाम का यह स्पेस स्टेशन चीन का पहला प्रोटोटाइप स्पेस स्टेशन था। वैज्ञानिक इस पर पिछले कुछ महीनों से नजर रख रहे हैं। अब उन्होंने पूरी तरह से मान लिया है कि 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये नीचे गिर रहा है, जो अब उनके नियंत्रण से बाहर हो चुका है। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीम इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तियानगोंग 1 एक सिंगल मॉड्यूल स्पेस स्टेशन है जो चीनी अंतरिक्ष एजेंसी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 2011 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस स्पेस स्टेशन में 2 बार एस्ट्रोनॉट्स के दल जा चुके हैं, एक 2012 में और दूसरा 2013 में। दुनिया के सभी देशों की स्पेस एजेंसीज में सिर्फ चाइनीज स्पेस एजेंसी ही ऐसी है जो कि अपने मिशंस के बारे में सबसे कम जानकारी देती है। इसलिए तियानगोंग को अंतरिक्ष में भेजने का क्या मकसद है, ये किसी को नहीं पता। कई लोगों का कहना है कि चाइना 1950 में स्पेस एज की शुरुआत से ही अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन बनाने की कोशिश कर रहा था। उसी समय यूएस और सोवियत यूनियन दोनों में कोल्ड वॉर चल रहा था और दोनों देश अंतरिक्ष की रेस में एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। लेकिन अमेरिका के चांद पर जाने के बाद ये रेस खत्म हो गई और दोनों ने एक साथ मिलकर एक स्पेस मिशन करने का फैसला किया। उसका नाम अपोलो सोयुज था, जो कि 1975 में शुरू हुआ। उस समय चाइना दुनिया की नजरों से छिपकर एक स्पेस कैप्सूल बना रहा था जिसमें सिर्फ एक ही आदमी बैठ सकता था। इस स्पेस कैप्सूल का नाम सुगुआंग 1 था। इसके लिए चाइना ने 19 एस्ट्रोनॉट्स का सिलेक्शन भी किया था। किसी कारणवश 1972 में इसे रद्द करना पड़ा, लेकिन 1980 और 1990 के दशक में चाइना उस कैप्सूल पर फिर से रिसर्च करने लगा। 1999 की शुरुआत में इस कैप्सूल में सबसे पहले एक रोबोट को अंतरिक्ष में भेजकर परीक्षण किया गया। उसके बाद मिशन सफल रहने पर 15 अक्टूबर 2003 में चाइना ने यांग लेवे नाम के एक एस्ट्रोनॉट को सेंजू 5 नाम के एक कैप्सूल से 21 घंटे की यात्रा के लिए अंतरिक्ष में भेजा, जिससे चाइना दुनिया का तीसरा देश बन गया जिसने इंसान को अंतरिक्ष में भेजा था। 2005 में चाइना ने पहली बार 2 लोगों को और 2008 में 3 लोगों को अंतरिक्ष में एक साथ भेजा। इसके बाद चाइना भी यूएस और सोवियत यूनियन के नक्शे कदम पर चलकर अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन स्थापित करना चाहता था। 29 सितंबर 2011 में चाइना ने अपना पहला स्पेस स्टेशन तियानगोंग 1 नॉर्थ वेस्ट चाइना से 2F रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा। तियानगोंग, जिसका मतलब होता है हेवनली पैलेस यानी स्वर्ग जैसा महल, जो आज दुनिया के लिए नरक बन गया है। ये स्पेस स्टेशन 8,500 टन भारी था। इसकी लंबाई 34 फीट और चौड़ाई 11 फीट थी। इसमें एक एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल था जहां पर एस्ट्रोनॉट्स रहते और एक्सपेरिमेंट करते थे। इसके साथ ही इसमें एक रिसर्च मॉड्यूल था जिसमें प्रोपेलेंट टैंक और रॉकेट इंजन मौजूद थे। ये कैप्सूल पृथ्वी की ऑर्बिट में लगभग 350 किलोमीटर नीचे स्थित है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से थोड़ा ही नीचे है। इस स्पेस स्टेशन में 3 लोगों के रहने की जगह है। ये बीजिंग एरोस्पेस फ्लाइट कंट्रोल सेंटर से कंट्रोल किया जाता है। इस मॉड्यूल को अंतरिक्ष में भेजने का मकसद चाइनीज अंतरिक्ष अभ्यास और डॉकिंग्स में मदद करना था। साथ ही किसी बड़े अंतरिक्ष स्टेशन बनाने, चंद्रमा, मंगल या सौरमंडल में किसी दूसरी जगह अंतरिक्षयान भेजने के लिए भी महत्वपूर्ण था। लेकिन 2016 में चीन ने बताया कि तियानगोंग उनके कंट्रोल से बाहर हो चुका है और उसी समय ये आशा जताई गई थी कि 8,500 किलो का ये स्पेस स्टेशन धरती के किसी भी हिस्से से टकरा सकता है। हालांकि स्पेस स्टेशन धरती से कब टकराएगा इसकी कोई निश्चित तारीख नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि ये घटना 24 मार्च से 19 अप्रैल के बीच कभी भी हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि इस स्पेस स्टेशन में भारी मात्रा में हाइड्रोजन गैस है, जो कि न केवल जहरीली बल्कि ज्वलनशील भी है, जिसका फैलना बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि स्पेस स्टेशन का ज्यादातर हिस्सा अब तक जलकर राख हो चुका होगा, लेकिन कितना हिस्सा अभी भी बचा हुआ है इसकी सही जानकारी नहीं है। ऐसी आशंका जताई जा रही है
कि 10% से लेकर 40% तक हिस्सा अभी भी अंतरिक्ष में मौजूद है, लेकिन जितना भी हिस्सा बचा है वो धरती की ओर तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, जो मलबा बनकर धरती पर हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में फैल सकता है। सबसे बड़ा खतरा है कि ये मलबा आबादी वाले क्षेत्रों पर भी गिर सकता है। कुछ समय पहले इसके गिरने की लोकेशन उत्तरी चीन, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल इटली, उत्तरी स्पेन, न्यूजीलैंड, तस्मानिया और दक्षिण अफ्रीका में बताई जा रही थी, लेकिन अब वैज्ञानिक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये कहां गिरेगा। वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि ऐसा भी हो सकता है कि इसके गिरने से पहले ही इसको सुरक्षित वापस ले आया जाए। आज तक ऐसे कई मॉड्यूल्स हैं जिन्हें सही सलामत वापस लाया जा चुका है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो पृथ्वी पर गिर चुके हैं। इन गिरने वाले मॉड्यूल्स में अब तक जिसने सबसे ज्यादा गड़बड़ी की थी वो स्काई लैब था, जो कि 1979 में पृथ्वी पर वापस गिर चुका है और ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र में गिरा था। तियानगोंग धरती पर किस स्थान पर गिरेगा और इससे कितनी तबाही होगी, वैज्ञानिक ये पता लगा पाने में अभी तक असमर्थ हैं। उनका कहना है कि इसके गिरने की सही जानकारी इसके गिरने से कुछ समय पहले ही मिल सकेगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि संभव है कि ये समुद्र में गिर जाए। अब तियानगोंग को वापस लाया जाएगा या वो खुद ही पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर देगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इसके समुद्र में गिरने के कितने चांसेस हैं? कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।